गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लिटरेचर बुक क्लास 6 चैप्टर 20। द हेडिंग इज द फाउंटेन। इट्स अ पोयम, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, इनटू द मूनलाइट विंटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, Into the starling rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। फाउंटेन एक प्रेरणादायक कविता है। कवि तीन अलग अलग पहलुओं में फव्वारों का वर्णन करता है। इस कविता के माध्यम से वह कहता है कि हर समय ऐसा लगता है कि यह उच्चतर और उच्चतर है। कवि इस कविता में कह रहा है कि ताजगी, परिवर्तन, फिटनेस, निरंतरता के इन गुणों को वो किस तरीके से सिखाना चाहता है। जैसे धूप में प्रकाश से भरा हुआ छलांग लगाते हुए रात दिन चमकती रहती है, चांदी में सर्दियों में बर्फ की तरह फूल सा लहराता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जब हवा चलती है तो फूल हवा में लहराने लगती है, सितारों की चमक की तरह टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। आधी रात के जैसे खुशी खुशी दिन की तरह कभी तेज गति में प्रफुल्लित होते हुए फिर स्वर्ग की चढ़ाई सा हो जिस पर चढ़कर कभी कोई नहीं थकता। नेक्स्ट है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, सीजलेस स्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट, ग्लोरियस फाउंटेन लिट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। इसका मतलब है कि सभी मौसमों की खुशी अभी भी सबसे अच्छा लग रहा है। ऊपर या नीचे की तरफ गति करना फिर रुकना प्रकृति से भरा कुछ भी नहीं, हर पल बदल सकता है, महत्वाकांक्षा की भावना उत्पन्न करता है। शानदार फव्वारा मेरे हृदय को अपने जैसा ताजा कर परिवर्तनशील निरंतर उन्नत होने दो। आई होप यू विल गेट दिस पोयम। थैंक यू।